पीटीआई के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ईद से पहले और बाद में क्या होने जा रहा है, हामिद मीर ने बड़ी खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि कुछ दिन पहले तक तहरीक इंसाफ के कायदीन की जानिब से ये इशारा दिया जा रहा था कि वो ईद का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि रमजान के दौरान ही वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे और अडियाला जेल के सामने धरना भी देंगे। हामिद मीर ने कहा कि अब ये इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि ईद का इंतजार न किया जाए बल्कि ईद से पहले ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कुछ इशारे ये हैं कि ईद के बाद ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। हामिद मीर ने कहा कि अगर रमजान के दौरान और ईद के बाद ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा तो फिर सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, क्योंकि आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान में है और इस बात में शक नहीं कि आईएमएफ से मुजाकरात के नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आएगा। हामिद मीर का ये भी कहना था कि इस महंगाई के तूफान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में इत्तेहाद और इस्तेहकाम की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम और इत्तेहाद के बगैर हम अपने मुआशी बहरान पर काबू कैसे पाएंगे।